आ चुके हैं एक और दुकान पर। इन पर मिलते हैं काफी सारे सोफे, बहुत डिजाइनों के हैं। अभी तक जो हमने दुकानें विजिट करी हैं, सबसे ज्यादा सोफे यहीं मिलते हैं। ये सारी अलमारी हैं और सोफे आप देख ही सकते हो कितनी सारी वैरायटी के हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। इन पर हैं 1, 2, 3 कितने सीटर है, 5 सीटर है, बहुत तरह का है देखो भाई, अलग अलग डिजाइन में। और सामने कवर्ड वो लग रही है अलमीरा मेटल वाली, क्यों अलमीरा भी दिखाऊंगा, पहले गद्दे दिखा दे अलमीरा, बहुत दिखाऊंगा। ओ सामने देखो भाई गद्दे कितने सारे हैं, ओह शिट, ये तो मैंने देखा ही नहीं रिजवान, तू तो यार नई नई चीजों का आविष्कार करता है। ये सारी भाई लकड़ियों में है देखो, लकड़ियों। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं फर्नीचर के मार्केट में, जो कि पड़ता है घटिया पर। तो घटिया अपने नाम से काफी मशहूर है, घटिया पर सारा फर्नीचर मिलता है घर का, बेड, ड्रेसिंग टेबल और डाइनिंग टेबल, कुर्सियां और सोफे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो आपको घर के यूज में चाहिए हूँ, वो बस घटिया जाना है आपको। यानी कि फर्नीचर से रिलेटेड सारा सामान घटिया पर मिलता है। तो आपको दिखाएंगे वहाँ क्या क्या मिलता है और किस प्राइस पर मिलता है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो बने रहिए और हमारे साथ चलते हैं बिना देरी करते हुए, झूमते हुए और लहरते हुए। पूरा घटिया वाला रोड जो कि पीछे बेलनगंज को जाता है, मेन घटिया चौराहे से नीचे आना होता है, पूरी रोड है फर्नीचर वाली। यहाँ पर हम आए हैं लता सेल्स कॉर्पोरेशन पे, यहाँ मिलता है सारा फर्नीचर, प्लास्टिक की कुर्सियाँ और काफी सारी चीजें। पीछे कूलर रखे हुए हैं और यहाँ कुर्सियां रखी हुई हैं काफी सारी, और यहाँ लोहे के स्टैंड। पूरा जो घटिया मशहूर है वो है पूरा फर्नीचर और काफी सारी चीजों के लिए जो आपको घर में यूज होती हैं। रखी हुई है सारी सॉफ्ट वाली कुर्सियां जो कि अपने ऑफिस में यूज होती हैं, और वहाँ टेबल रखी हुई है, कंप्यूटर डेस्क टेबल, पढ़ने में यूज कर सकते हो आप, कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। नीचे भी काउंटर है ऑफिस वगैरह का, कुछ बढ़िया लग रहा है देखने में। और इधर भी टेबल रखी हुई है, ये रैक रखी हुई है, ये तरह तरह की रैक है काफी सारी, बढ़िया लग रही है भाई। घटिया पर बहुत तरह तरह का फर्नीचर और बहुत काफी बढ़िया और रेटों में मिलता है। यह कार्ड अंकल का लता सेल्स कॉर्पोरेशन, और ये पूरा एड्रेस भी लिख रहा है और इधर जानकारी भी लिख रही है। चलते हैं दूसरी दुकान पर, आपको दिखाएंगे और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। बेड भी मिलते हैं, गद्दे वद्दे सारी चीजें मिलती हैं यहाँ, मंदिर वगैरह मिल रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल मिल रही है, सोफा सेट मिल रहा है। पास चलते हैं थोड़ा और दिखाते हैं आपको, यहाँ मिल रही है सारी प्लास्टिक की कुर्सियां, काफी तरह तरह की और मजबूत, बढ़िया मिलती है यहाँ पर। मैं भी यहीं से लेकर गया था, इसी वाली दुकान से। और ये मंदिर है, और यहाँ पर है ड्रेसिंग टेबल जो कि काफी बढ़िया लग रही है देखने में, और इधर भी है, और इधर रखा हुआ है एक एल शेप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीटर है, 8 सीटर है, सोफा रखा हुआ है, बढ़िया लग रहा है देखने में, कलर भी इसका मस्त है, और अंदर भी काफी सारे सोफे रखे हुए हैं इधर उधर। रखा हुआ है एक मंदिर जो कि बढ़िया लग रहा है अपनी लॉबी वगैरह में रखने को, इधर रखा हुआ है एक गोदरेज जो बढ़िया लग रही है, शीशा लगा है उसमें, और इधर सोफा सेट रखा हुआ है थोड़ा हल्का, और इधर बेड रखा हुआ है, बेड का भी सिरियाना बोलते हैं इसे, बैक फ्रंट रखा हुआ है, बैक बोलेंगे इसे, फ्रंट नहीं, और इधर भी फ्रंट रखा हुआ है, उधर एक सोफा रखा हुआ है, सोफा भी है और बेड भी है, खींच के बेड बन जाता है, काफी बढ़िया है, नए ट्रेंड के हिसाब से जिसके यहाँ जगह कम हो उसके लिए बढ़िया है। काफी सारी चीजें हैं इन पर, गद्दे वद्दे, बेड वगैरह, टेबल भी हैं, कुर्सियां भी हैं। ये है अंकल का विजिटिंग कार्ड, इस पर लिखा हुआ है पूरा एड्रेस और अंकल का फोन नंबर। ये थी अंकल की कुछ दुकान जो कि काफी सारा सामान मिलता है, गद्दे भी मिलते हैं, बहुत सारी कुर्सियां मिलती हैं तरह तरह की। अब चलते हैं नेक्स्ट दुकान पर, छोटी सी दुकान, इस पर मंदिर ही मंदिर मिल रहे हैं, और इस पर मिल रही हैं अलमारियां काफी सारी जो कि बढ़िया लग रही हैं देखने में, अलग अलग तरह की हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ मिल रही हैं कुर्सियां बच्चों की, इन पर तो कुर्सियां ही कुर्सियों की इतनी सारी वैरायटी है प्लास्टिक की, देखो ये छोटी कुर्सियां, बड़ी कुर्सियां, काफी तरह तरह की हैं, और मंदिर भी है इन पर, बहुत सारी चीजें मिलती हैं भाई घटिया पर, डबल बेड, सिंगल बेड, सोफा सेट, जो डाइनिंग टेबल कुछ भी लेना चाहो, क्यों रिजवान सब मिलता है भाई दुकान पे। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितने सारे सोफे मिल रहे हैं, और एक ये सोफा है एल साइज में, ये कर्व शेप में जो कि 28,000 रुपए का विद टेबल, काफी सही लग रहा है भाई, प्रॉपर एल शेप में सोफा जो कि जिसका प्राइस है 23,000 रुपए विद टेबल, और इसके साथ एक ये टेबल भी है, और इसके साथ ये सोफा भी है, ये गोल सोफा है ना, हाँ ये गोल सोफा है भाई। तो चलते हैं आप दूसरी दुकान पे, आपको दिखाते हैं और क्या क्या सामान मिलता है। आ चुके हैं दूसरी दुकान पर, जहाँ पर मिल रहे हैं आप कवर्ड जिनके अंदर शीशा भी लगा हुआ है भाई, लोहे के भी है और ये लकड़ी के भी है, दोनों टाइप के मिल रहे हैं भाई। पर ये सोफे मिल रहे हैं, और वहाँ पर मिल रहे हैं गद्दे, और ये पीछे मिल रहा है बेड का, बेड के पीछे का जो होता है ना सरियाना, ये मिल रहा है भाई, ये काफी तरीके के हैं, इन पे कम से कम 15 से 20 है भाई, सब अलग अलग डिजाइन के मस्त लग रहे हैं। अंकल का कार्ड, आप आए और यहाँ पर विजिट करें, आए गोपाल जी फार्म हाउस पर, इन पर मिलते हैं काफी सारे गद्दे, ये सिर्फ और सिर्फ गद्दे ही बेचते हैं, और देखते हैं आपको किस तरीके के गद्दे, और आपको प्राइस भी बताते हैं, कितने मस्त लग रहे हैं भाई गद्दे। इसका क्या प्राइस है भाई? ये आपको पड़ेगा अपना 7,500 रुपए का पेयर, 7,500 रुपए का पेयर डबल बेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 7,500 रुपए का पेयर है भाई डबल बेड, और वो सिंगल वाला कितने का है? वो सिंगल वाला मतलब
ज्यादा दो सौ हजार से तीन सौ का एक चार सौ का। अच्छा अच्छा। चार सौ का जो साइज चलता है वो सिंगल बेड में चलता है। अच्छा। अभी इधर देखो इधर कैमरा घुमाओ आप, इधर ये सिंगल बेड का होता है हमारा। अच्छा अच्छा, सिंगल बेड का। ये कितने का है? ये सिंगल बेड में आप लेते हैं ये 2200 रुपए की रेंज में। सही भाई, ये देख ही सकते हो आप, 2200 रुपए खुद ही बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं भाई। अंदर पूरा गोदाम है, देख ही सकते हो आप। पर काफी सारे गद्दे रखे हुए हैं इंचेस में, 2 इंचेस में आप लेना चाहो, डबल बेड सिंगल बेड काफी सारे हैं यहाँ पर, देख ही सकते हो। हर तरह के हैं, हर तरह की कंपनी के हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गद्दे हैं, देख ही सकते हो कितने मोटे मोटे हैं और पतले पतले हैं, जो इंचेस में आपको चाहिए। अंकल ने आउटलेट लगा रखा है देखने को, जो आपको गद्दों पर कवर चाहिए वो सब कवर वगैरह भी बनाते हैं। काफी सारे तरह तरह के कवर हैं, देख ही सकते हो आप जिस डिजाइन में आपको चाहिए हो सोफा। अच्छा, सोफे का कपड़ा है और गद्दों का भी है। अच्छा, दोनों चीज पे आप यूज करना चाहो उनके लिए हैं। काफी सारी डिजाइन है कपड़ों में, जैसा कलर आप लेना चाहो, देख ही सकते हो कितना बड़ा गोदाम है अंकल का। और सीटें रखी हुई हैं। हाँ, सोफे का भी काम होता है अपने यहाँ। अच्छा, सोफे का भी काम होता है, सोफे रिपेयर होते हैं, जो करना हो आपको मॉडिफिकेशन कराना हो सोफे में। अंकल का विजिटिंग कार्ड और आपको पूरी दुकान दिखाई थी हमने, अंकल पर गद्दे मिलते हैं और सोफों की मॉडिफिकेशन होती है, काफी सारी चीजें हैं। आ चुके हैं एक और दुकान पर, इन पर मिलते हैं काफी सारे सोफे, बहुत डिजाइनों के हैं। अभी तक जो हमने दुकानें विजिट करी हैं सबसे ज्यादा सोफे यहीं मिलते हैं। ये सारी अलमारी हैं और सोफे आप देख ही सकते हो कितनी सारी वैरायटी के हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। इन पर हैं 1 2 3 कितने सीटर है? 5 सीटर है, बहुत तरह का है देखो भाई, अलग अलग डिजाइन में। और सामने कवर्ड वो लग रही है अलमीरा मेटल वाली, क्यों अलमीरा भी दिखाऊंगा, पहले गद्दे दिखा दे, अलमीरा बहुत दिखाऊंगा। वो सामने देखो भाई, गद्दे कितने सारे हैं, देख सकते हो भाई। ओह शिट, ये तो मैंने देखा ही नहीं, रिजवान तू तो यार नई नई चीजों का आविष्कार करता है। ये सारी भाई लकड़ियों में है देखो, लकड़ियों मस्त लग रही है, जो आजकल उसमें चल रही है ट्रेंड में भाई। ओ रिजवान, पैसे रखने वाली जगह, तो यूट्यूब से पैसा आएगा हमारा। ओबेले इसमें रखा करेंगे सबके में। तो गाइस फिर जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल, पैसा ही पैसा हो गया। हाँ, अबे अलग अलग डिजाइन है इनकी, सॉरी हो मस्त लग रही है, अबे डिजाइन है, मेरे को भी यही लगा था। देखो इस साइड मेटल वाली रखी है, इस साइड लकड़ी वाली रखी है, बहुत डिजाइनों की है। यहाँ पर शीशे लग रहे हैं सारे और यहाँ पर अंदर जगह है, लॉकर सब में बन रहे हैं, नीचे भी है लॉकर देखो। कितनी सारी अलमीरा है यहाँ पर, तो यहाँ से निकलते हैं पहले बाहर और ये देख ही सकते हो आप कितना सारा सामान है यहाँ पर, बहुत सारा है भाई, बहुत सारे सोफे सेट, अलमीरा, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको अगर ये ब्लॉग हमारा पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।